हमारे पास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश जी, आज आपसे समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया, क्या कुछ था, वीडियो को लेकर आपने जिक्र किया। देखिए, अरविंद राजभर जी गए थे उत्तराखंड, उधर से लौटे तो किसी पत्रकार साथी ने सवाल किया, तो सवाल में उन्होंने जवाब दिया। तो उस वीडियो को कट पिट करके समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ता लोग अखिलेश यादव जी को गोली मारने तक कह दिया, जबकि उसमें मामला यह था कि जब मणिपुर के सवाल पे कोई बात किया, सवाल किया, तो उस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मणिपुर की घटना पर कि इस तरह की दरिंदगी अगर कोई करता है तो उसको सड़क पे चौराहे पर खड़ा करा करके गोली मार देना चाहिए, यह बात कही गई। अब उसको कि अखिलेश का बाद बयान पूछा तो अखिलेश के बयान को और उसको दोनों को जोड़ के दिखाने लगे। ये फराटगिरी 420 है ना समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं का। और भारतीय जनता पार्टी NDA में जब से हम शामिल हुए हैं, न कांग्रेस को चिंता है, न बसपा को चिंता है। सबसे ज़्यादा अगर चिंता हमारी है किसी को तो समाजवादी पार्टी को। अनर्गल वीडियो डाल डाल करके, फर्जी बना बना करके बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हम प्रदेशवासियों से ये कहूँगा कि जो लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने छेड़ी है वंचित शोषित पिछड़े दलित वंचित और मुसलमानों को हक अधिकार दिलाने के लिए, वही बात वही लड़ाई माननीय देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वही लड़ाई लड़ी जा रही है। गरीबों के विकास की योजनाएं जो बनी हैं वो गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी को ये पसंद नहीं आ रहा है कि उस लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर अगर शामिल हो गया है तो ये योजना ज़्यादा तेजी से और आगे बढ़ेगी, इससे लोग परेशान हैं। अच्छा, दिल्ली सेवा बिल में जयंत चौधरी नहीं पहुँचे मतदान करने, क्या माना जाए कि इंडिया से वो अलग होना चाह रहे हैं? आपको मैंने बताया है ना, धैर्य रखिए, TV पर दिखाएंगे। राजभर जिधर जाते हैं तो कुछ ना कुछ करते हुए जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि राजभर जी इधर जाते हैं कुछ न कुछ करते हैं। जयंत चौधरी को कहा उन्होंने कि धैर्य रखिए, आगे देखिए क्या क्या होता है, और वहीं समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दिया है। कैमरामैन राहुल के साथ अनिश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।